मध्य प्रदेश चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए भाजपा प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं और बीजेपी के लिए वोट मांगने के साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ रहा है। बीजेपी के बड़े नेताओं को सुनने के लिए आम जनता भी बड़ी संख्या में पहुंच रही है। अब जन आशीर्वाद यात्रा सिंगरौली पहुंचेगी। जिले के कई गांवों को यात्रा में कवर किया जाएगा। यात्रा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला, सांसद रीति पाठक सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। यात्रा पूरे मध्य प्रदेश से 5 जगहों से चल रही है, उसमें एक यात्रा ये भी चित्रकूट से चलकर अपने सिंगरौली जिले में प्रवेश करेगी। 10 तारीख को यात्रा आ रही है। अपन लोग उस यात्रा के लिए पूरे जगह हम लोगों ने तैयारी कर रखी है। पूरे हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, पार्टी कार्यकर्ता लगे हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के हमारे डिप्टी सीएम साहब यहाँ आ रहे हैं, जिसमें तमाम सभी लोग उनकी तैयारी के लिए यहाँ पर आए हुए थे। तो सभी कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में देश में काम किया है, उसके आधार पर हमारी यात्राएं चल रही हैं और हमारी यात्राएं जनता का आशीर्वाद मिला के जन आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यात्राएं आ रही है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।